डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो आज से हम लोग जनरल कंपटीशन लाइक SSC, उसमें जो CGL, CHSL, MTS, रेलवे हो गया, और जो अदर जो स्टेट लेवल का जो स्टेट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जनरल कंपटीशन का, उसका हम लोग हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और हिस्ट्री में भी जो पहला जो है, दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या है, और बेसिकली हिस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी इवेंट्स हो रखे हैं पास्ट में, उसका जो हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, फिर उसके बाद जो जैसे इवेंट हुआ है उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री को जनरली जो है उसमें भी फर्दर क्या है, उसमें भी बोला गया है कि एक प्री हिस्ट्री होता है, एक प्री हिस्ट्री, देन एक सिम हिस्ट्री, एंड देयर इज़ अ प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, देयर इज़ अ प्रोटो हिस्ट्री। इस तरह से हिस्ट्री भी फर्दर इस तरह से डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब से रिटन रिकॉर्ड होने लगा, कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ है उसका जो रिटन रिकॉर्ड जब से हुआ, वो सब हिस्ट्री। वो जिसका रिटेन रिकॉर्ड नहीं है, बट उसका क्या है कि वो चीज़ें जो है वो हम लोग क्या है जानते हैं बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम लोग जानते हैं जिसका रिटेन रिकॉर्ड है उसके अलावा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो जो चीज़ें हमें अननोन है उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। सो वेल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द एंशेंट इंडिया। अब क्या है हमारे एंशेंट इंडिया का, हम लोग हिस्ट्री के बारे में, एंशेंट हिस्ट्री जो पढ़ेंगे वो इंडिया के लिए पढ़ेंगे। तो हमारे देश का क्या है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो एक आपका टाइम पीरियड का जो है, इसमें दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उससे पहले वाले को पीरियड को हम लोग बोलते हैं BCE, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, जीसस के जन्म के पहले को हम लोग BC बोलते हैं टाइम पीरियड को, और जीसस के जन्म के बाद को हम लोग CE बोलते हैं, दैट इज़ कॉमन एरा, या फिर इसको हम लोग AD से भी डिनोट करते हैं, एंटोनियो डोमिनियो को। ठीक है, इस पीरियड को, तभी जो 2020 जो ईयर चल रहा है, ये सब AD का पीरियड है, ये सब क्या है AD में चल रहा है। तो हम लोग क्या है, ये सब इसमें हम लोग AD डिनोट नहीं करते हैं, राइट। जीसस के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग AD जनरली डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट समझा जाता है कि वो बाद का है। अगर पहले का समय होता है तो हम लोग उसको शो करना पड़ता है BC या BCE, दोनों में से कोई भी शो कर सकते हो, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा जो पहला जो है, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो हमारा जो पहला एंशिएंट इंडिया का जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि क्या है 2500 BC से 1500 BC। तो ये अप्रॉक्स टाइम है, किसी किसी बुक में ऑथर में क्या है कि अलग अलग थोड़ा वैरी करता है टाइम पीरियड, बट मोर और लेस यही है कि 2500 BC से 1500 BC जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसको पढ़ाई करते हैं। इसमें क्या है कि सपोज़ यहाँ पे जीसस का जन्म हुआ, तो ये जो टाइम पीरियड हम लोग पीछे जाएंगे, तो सपोज़ यहाँ पे ये 1500 BC टाइम है और ये 2500 BC का टाइम है। ठीक है, तो ये पीरियड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका ऑर्डर देख लेते हैं इवेंट का। देन आता है हमारा वेदिक एज। क्या है वेदिक एज, इसमें क्या है वेदों का निर्माण होता है, वेदों का जो है बुक सब लिखा जाता है उसके बारे में है। तो वेदिक एज जो चला है वो कितने से 1500 BC से 600 BC के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, और वैदिक एज को भी फर्दर दो पार्ट में है, अर्ली वैदिक एज में पढ़ेंगे और फिर लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक एज जो है 1500 BC से 1000 BC तक है, और लेटर वैदिक एज जो है 1000 BC से 600 BC तक है। देन आता है वैदिक एज के बाद हम लोग पढ़ेंगे 6th century BC, और ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है 6th century BC, क्योंकि इसमें क्या होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब कि उस समय क्या होता है, जो एक राजा इस तरह का जो है एक संघ बनने लगता है, एक सोसाइटी बनने लगता है, जहाँ महाजनपद 16 महाजनपद का फॉर्मेशन होता है, साम्राज्य का फॉर्मेशन होता है, मगध किंगडम जो है वो सब का उदय होने लगता है। इसीलिए पॉलिटिकल क्या होता है वहाँ पे उस पीरियड में 6th century BC में क्या होता है पॉलिटिकली वो उस चीज़ें का फॉर्मेशन होने लगता है। देन उसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है उस ईयर में इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रिलीजियस रिवॉल्यूशन, मतलब धर्म का जो है वो अलग अलग उत्पन्न होने लगता है, जैसे कि बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, और दैट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको हम लोग लेटर ऑन क्या है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देन आता है मॉडर्न एम्पायर, देन इट कम्स मॉडर्न एम्पायर।
का जो समय है वो 325 BC से 183 BC है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो राजा आते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसारा, अशोका, इसे इम्पोर्टेंट सब है टॉपिक्स जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है पोस्ट मॉडर्न रूलर्स, मतलब मॉडर्न के बाद का समय पोस्ट मॉडर्न रूलर्स, जो कि सेकेंड सेंचुरी BC से थर्ड सेंचुरी AD का है। सेकेंड सेंचुरी BC से थर्ड सेंचुरी AD, मतलब इसका क्या मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो इससे 2 सेंचुरी BC और इससे 3rd सेंचुरी बाद, मतलब 200 साल इधर और 300 साल इधर, मतलब ये पीरियड को बोला गया है। ठीक है, ये मोस्ट इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न रूलर्स। इसके बीच में क्या क्या है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आता है एज ऑफ गुप्ताज, गुप्ता का एज जो है 320 AD से 550 AD। दिस जो गुप्ता का जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बहुत सारे ऐसे नेम भी है इनके द्वारा जो बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट उस समय इंडिया में हुआ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद जो है एज ऑफ गुप्ता जो 320 AD से 550 AD था। देन आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, राइट। सो ये क्या है, एक ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाई करेंगे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने जस्ट ऊपर देखा कि जो इंडस, पहला क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 2500 BC से 1500 BC या फिर 1350 1750, मतलब मोर और लेस यही टाइम है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा करके क्या है 2500 BC से 1500 BC तक हम लोग रखते हैं, इस टाइम को ही क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये सिविलाइजेशन को हम लोग इंडस्टेशन क्यों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस्टेशन इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में है क्या कि ये जो सिविलाइजेशन का मतलब है कि जो पीपल जो थे, जो आदमी जो उस समय रह रहे थे वो इंडस नदी है। अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इस तरह से क्या है, कश्मीर से इधर जाता है इंडस नदी जो कि इधर से अभी जो पाकिस्तान का जो एरिया है, तो ये क्या है एक इंडस रिवर है इधर। ठीक है, इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर के आसपास जो रह रहे थे इसीलिए उनको बोला गया इंडस सिविलाइजेशन। और इंडस सिविलाइजेशन को वहाँ पे जो लोकेशन है, वहाँ पे जो लोकेशन है वो हड़प्पा, एक साइट है हड़प्पा, जो कि आगे हम लोग इसको देखेंगे। हड़प्पा एक जगह है जो भी पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि वो साइट है, वो जगह का नाम है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहीं पे रहते थे, इंडस नदी उसके बगल से गुजरती है इसीलिए उसको इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो दोनों ध्यान में रखना है। नाउ अब इसमें क्या है कि दैट बिलोंग टू, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज, ये क्या है कि उस जो उससे पहले का जो समय है हम लोग टूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को एज जो है डिवाइड करके रखे हैं, राइट। नाउ अब क्या है, पहला जो एज है दैट इज़ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 500,000 BC से 10,000 BC। तो ये जो इतने का जो टाइम पीरियड है, 500,000 BC से 10,000 BC का जो टाइम पीरियड, उसको हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। और इसमें उस समय जो टूल्स था, ये सब जो पीरियड डिवाइडेड होगा, पैलियोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, जो है ये टूल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया इसको, राइट। तो पैलियोलिथिक एज जो है उसमें जो टूल्स हुआ करते थे वो स्टोन थे, पत्थर का यूज़ करते थे और परफेक्टली शार्प नहीं था, मतलब यू कैन से कि एक बड़ा लंप की तरह था, मोटा था, इस तरह से था, वो कोई शार्प नहीं बनाया हुआ था, उस पर कुछ वर्क नहीं किया हुआ था, तो उस समय के एज को बोला गया पैलियोलिथिक एज। और ये जो साइट है पैलियोलिथिक एज का वो है भीम टाका, जो कि MP में पड़ता है, फिर हुंगसाई हो गया, फिर है कुर्नूल, है कुर्नूल कैम्प्स, नर्मदा वैली और कलाडागी बेसिन, ये सब क्या है पैलियोलिथिक एज का साइट है। यहाँ पे इस तरह के एज में ये सब साइट में पास हुआ टाइम। नाउ देन है नेक्स्ट एज है दैट इज़ मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से 8,000 BC तक है, राइट। और इनका जो टूल्स था उस समय का वो क्या था, स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे, और शार्पर एज स्टोन, मतलब अब स्टोन को उन्होंने क्या किया कि एक शेप देना शुरू कर दिया, और शार्प मतलब नुकीला टाइप का बोल सकते, राइट। उसके बाद क्या है, माइक्रोलिथ्स फाउंड एट ब्रह्मगिरी। अब यहाँ पे ब्रह्मगिरी जो मैसूर में जगह है, नर्मदा हो गया, विंध्या हो गया, गुजरात है, तो ये सब साइट पे क्या है मेसोलिथिक एज हुआ। देन है इसी पीरियड में क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर कैटल ब्रीडिंग, मतलब उन्होंने इस समय में क्या है कि जानवरों सबको पालना शुरू कर दिया था, राइट, मेसोलिथिक एज में। सोच सकते हो कि कितने साल पहले। नाउ थर्ड है दैट इज़ नियोलिथिक एज। थर्ड क्या है, नियोलिथिक एज। तो इसका टाइम पीरियड जो है 8,000 BC से 4,000 BC के बीच में है, और उस समय शार्प स्टोन टूल्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर दिए थे, एनिमल हस्बेंड्री जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे। और नियोलिथिक एज का जो साइट है दैट इज़ मेहरगढ़ जो है साइट है नियोलिथिक एज का। और ये सभी जो ऊपर हम लोगों ने तीन एज देखा, दैट इज़ पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ये सभी जो एज डिवाइडेड है स्टोन एजेस पे, स्टोन पे, टूल्स के बेसिस पे, इसीलिए हम लोग इसको स्टोन एजेस ही बोलते हैं।
उसके बाद है कॉपर एज। कॉपर एज मतलब वही चालकोलिथिक एज जो है उसी का आसपास कॉपर स्टोन एज बोला गया है 4000 BC से 1500 BC। ठीक है, चालकोलिथिक एज के बाद आता है कॉपर एज। कॉपर का डिस्कवरी हो गया था, उन लोगों के पास कॉपर आ गया था, इसलिए उसको कॉपर एज बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है 4000 BC से 1500 BC। उसके बाद है आयरन एज, लोहा का जो है डिस्कवर हो गया था और इसका जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 200 BC। और टूल्स जो है आयरन मेटल आ गया था और इसको हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं। नाउ अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2500 BC से 1500 BC है। प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्रोटो हिस्ट्री जो इंडिया का मैंने बताया जिसके बारे में क्या अननोन फैक्ट्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इसी समय से स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है। इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एग्जीक्यूटेड। इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि जब इसका जो इस पर यह किया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है उस सब जब इस पर वर्क किया तो पहला जो साइट खोजा गया था दैट वाज हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब वहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ तो पाया गया है कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था जस्ट लाइक एक अर्बन जिस तरह से एक शहरी क्षेत्र जिस तरह से होता है उसी तरह से वेल मेंटेन्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड था, तो इसीलिए उसको अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। शहर की तरह सब कुछ था, वहाँ पे जो सीवेज सिस्टम था, घर का जो स्ट्रक्चर था, एक 90 डिग्री रोड का जो स्ट्रक्चर था दैट वॉज पैरल था, फिर इस तरह से बगल से जो भी दूसरा रोड निकलता था वो 90 डिग्री पे एंगल बनता था, इससे पता चलता था कि वहाँ पे उस समय टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा उन लोगों के पास ज्ञान था कितने एंगल पे क्या करना है। इसीलिए क्या है इस सिविलाइजेशन को हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नाउ अब क्या है कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट डिस्कवर किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय वो क्या क्या था। तो 1921 में जो दयाराम साहनी हैं उनके नेतृत्व में हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया गया 1921 में। इसलिए पहला साइट कौन सा है हड़प्पा। और ये कौन सा नदी के बगल में है तो रावी नदी, वो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है सभी 5 जो नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट सो उसी से फ्लो करती है। तो इंडस जो है इंपॉर्टेंट है वो जस्ट पास में है तो इसी सब आस पास में ही सब नदी है, ठीक है। तो हड़प्पा जो है कौन सा नदी के आसपास में, रावी नदी जो है। नाउ तो 1921 में याद रखना है कि 1921 में हड़प्पा साइट का डिस्कवर हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ तो दयाराम साहनी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा साइट वाज डिस्कवर्ड अंडर द विजन ऑफ होम, किसके विजन में किया गया था, दयाराम साहनी। उसके बाद 1922 में सेकेंड साइट डिस्कवर हुआ दैट इज़ मोहनजोदारो, जबकि वो किनके नेतृत्व में, तो आर डी बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। और ये इंडस नदी के बगल में है, माउंट ऑफ डेट भी है इसको मतलब वहाँ पर पाया गया। फिर ग्रेट बाथ, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ग्रेट ग्रैनरी का मतलब क्या अनाज का भंडार बहुत बड़ा पाया गया वहाँ पे। तो इस तरह से ये साइट पे क्या क्या पाया गया मोहनजोदारो पे, ये सब ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि माउंट ऑफ डेट कहाँ पाया गया, ग्रेट बाथ कहाँ पे डिस्कवर हुआ, ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे पाया गया, फिर ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ मिला। तो ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है जो बन जाता है इस तरह से, तो इसको आप लोग को रिमेंबर करना है। नाउ उसके बाद 1953 में कालीबंगन साइट को डिस्कवर किया गया। अब वो जो है कहाँ पे है, राजस्थान में, वो सब क्या है राजस्थान में है। और ये कौन सा नदी के बगल में है तो सरस्वती नदी के बगल में है। उसके बाद है 1954 में जो अगला साइट डिस्कवर हुआ दैट इज़ लोथल को खोजा गया, वहाँ पे वर्क किया गया लोथल साइट को। तो वहाँ पे पता चला कि एक डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह की तरह बड़े बड़े पोर्ट जहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हार्बर लाइक स्ट्रक्चर था जिससे पता चला कि अच्छा वहाँ पे डॉकयार्ड होगा, ठीक है। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन पाया गया। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि लोथल जो खोजा गया था गुजरात में जो अभी है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये क्या चीज़ के लिए था, तो डॉकयार्ड के लिए था, ये ध्यान में रखना है। और इसमें 12 सिटीज़ जो है पाया गया, मतलब जो लोथल में था उसमें 12 सिटीज शहर जो है थे। राइस कल्टीवेशन एविडेंस, वो पता चला कुछ एविडेंस से कि वहाँ पे राइस का खेती हुआ करते थे, कल्टीवेशन हुआ करता था। फिर 1992 जो रिसेंट जो साइट डिस्कवर हुआ है दैट इज़ ढोलवीरा है, और लेटेस्ट फाइंडिंग इंडस सिविलाइजेशन का है जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में है, ठीक है। मैप देखोगे तो इस तरह से गुजरात का जो कच्छ रीजन है इस साइड से है, इस तरह से गुजरात का कच्छ रीजन इस सब रीजन में पाया गया है, वेस्ट साइड जो इंडिया मैप में देखना आप लोग। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र की तरफ फैला हुआ है, मतलब मैप में आप देखोगे तो जम्मू और यहाँ पे महाराष्ट्र जो थे यहाँ से यहाँ तक, और आपका एमपी से वेस्टर्न पाकिस्तान तक। ये जो हमने ऊपर जो हड़प्पा और
और भजनदारों, जो ये हर जो दोनों साइट है ये पाकिस्तान में है प्रेजेंटली अभी, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का, कि मोहनजोदारो में क्या पाया गया, तो ग्रेट बात, हरप्पा में द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट, कालीबंगन में प्लॉ मार्क्स खेती का, और लोथल में क्या पाया गया था, पोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जो है इस चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें, सो दैट कि हम कुछ नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो आप लोग को तुरंत उसको देख सकते हो। तो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।